ना है, कौन है ये? नहीं। क्या खा रही हो आप? टैनो। टैनो ये एप्पल है? एप्पल नहीं है, टोमेटो है। कैसे खाते थे तो? सबको हाय कह दो। हाय। सबको किसी कर दो। और हेड किधर है? शोल्डर किधर है? शोल्डर। सबको बोलो लव यू। और हगी कर दो। हगी। बोलो वेलकम टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह की हमारी शुरुआत हुई है नाया दीदी की रनिंग के साथ। नो 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 नाया। मीनल अभी गई हुई है पार्लर, महर्षि उसको लेके गया हुआ है। और महर्षि को भी अपने घर से थोड़ा बहुत सामान लाना था, जैसे टेबल, कल से उसकी जॉब स्टार्ट है तो उसका भी वो उसको ध्यान करना है, और वो भी सब चीजें लानी है। शनाया दीदी और मैं निकले शहर पे। शनाया को सुबह सुबह, ओए शनाया बोबो आ गया। शनाया बोबो, वो रहा बोबो। बोबो नहीं, बोबो कैसे कहता है? पारी कर दो, दूर से ही पारी कर दो। चलो, इतनी ठंड वैसे है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि हवा चल रही है तो ठंड होगी, तो मैंने शनाया को भी स्वेटर टाइप पहना दिया, मैंने भी हुड पहन ली। अब मेरे को हुड में ही गर्मी लग रही है। शनाया दीदी अपनी रनिंग कर रही है और पीछे देखती रहती है कि बाप आ रहा है नहीं आ रहा। अभी इसको मैं लेके जा रहा हूँ झूला झुलाने पार्क में। शनाया इजी, आराम से। नो, रनिंग नहीं करते, वॉक ही करते हैं। वॉक ही करो बस, ये सबको आते जाते हाय करते। बहुत जल्दी है इसको पार्क में पहुंचने की, कि पता नहीं शायद इसका झूला ही ना कोई लूट ले। आपने अगर हमारे पुराने व्लॉग देखे तो आपको पता होगा, पापा कहते हैं कि भाई आर्मी के मिशन से भी डिफिकल्ट है शनाया को खाना खिलाना। तो आज मैं सुबह अकेला ही था घर पे, क्योंकि मतलब मीनल बना गई थी पराठा, तो मैंने इसको पराठा खिलाया दही के साथ, फिर थोड़े से एप्पल खिलाए, फिर जो नाना ने भेजी है शनाया के स्पेशली कचौड़ी, शनाया ने कचौड़ी खाई, और उसके बाद बड़ी नानी ने जो नमक पारे भेजे हैं शनाया ने वो नमक पारे भी खाए। आ गई है नाया दीदी अब पार्क में, झूला झूल रही है। नाया झूला, सबको आसपास देखती रहती ताकि कोई तो हाय कर दे इसको। आ गए थे वापस हम क्योंकि शनाया को लग रही थी प्यास। अभी शनाया पानी पी के अपने फ्रंट यार्ड में ही घूम रही है। पर एक माँ का जिंदगी में होना कितना ज्यादा जरूरी है, मुझे कभी कभी रियलाइज होता है कि जैसे मैंने ये सोचा था कि मैं बाहर ही घुमाऊंगा इसको, तो जो स्वेटर सामने पड़ा था वो मैंने इसको पहनाया। बच्चे तो कपड़े गंदे करते ही है, तो स्वेटर हल्का सा गंदा था, मैं कहा चलो चलते हैं। फिर जब शनाया ने जिद करी कि भाई झूला झूलना है पार्क लेके चलो, तो मैं जब इसको पार्क ले जा रहा था, मुझे 100% यकीन है कि अगर यहाँ पे मीनल होती या शनाया की बड़ी मम्मी होती, शनाया की नानी होती, बुआ होती या बड़ी नानी होती, वो 100% इसको अंदर लेके जाते, पहले इसके कपड़े चेंज करते, इसको साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनाते और फिर इसको लेके जाते। अब ये नाया दीदी आई है अपनी फेवरेट चीज पे, जिसको ये कहती है एप्पल, है इसका ये टमाटर। ये क्या करती है, टमाटर का सिर्फ रसा रसा चूसती है जो गिर भी गया, फिर टमाटर को अपना साइड कर देती है, फेंक देती है। और फिर हम क्या करते हैं कि जो टमाटर इसका बचा हुआ होता है उसी टमाटर की ग्रेवी बना लेते हैं और वही हम खा लेते हैं, क्योंकि हम तो भैया मानते हैं हमारी तो छोटी माता रानी है ये, हमारे लिए तो इसका झूठन भी प्रसाद है। और ये इसकी बड़ी मम्मी ने ही चालू किया था, प्लस इसके नाना जी तो इसे वैसे ही पंडित जी बुलाते हैं, बाहर से कोई आता तो उनको हम ऐसे नहीं खिलाते। तो कोई अगर ये व्लॉग देख रहा तो घबराना मत भाई, तुम्हें शनाया का झूठन नहीं मिलता, हम ही खाते हैं। घर में जितनी भी ग्रेवियां बनती हैं वो शनाया दीदी के झूठे टमाटरों की बनती है। अभी हम आए हैं लोबलो थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, और शनाया ने अपने काम शुरू कर दिए रनिंग। ठीक है, ये लड़की अपने तो 10-15 हजार स्टेप करती है, मेरे भी कुछ करवा डालती है। ये मेरे को पूरा उधर भगाती रहती है, ये देखो कपड़े ट्राई करती रहती है, इसके पूरे वही शौक है। पकड़ो इस लड़की को, पकड़ लो, अरे पकड़ो इस लड़की को, पकड़ो। ये शीशे में देख के खुद को खेल रही है, शनाया मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो आए हम पॉपर्स क्योंकि शनाया को खानी थी फ्राइज, दीदी खा रही है यहाँ पे, और बर्गर किंग से हमने ली थी मोत्सरेला स्टिक्स। एंजॉय। आए हम वापस और दोबारा शनाया दीदी को बाहर ही घूमना है। हल्की हल्की हो रही है बारिश, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारे यहाँ पे पेड़ है तो ये सारी जगह हुई है सूखी, तो यहीं पे घुमा रहा हूँ मैं इसको, पार्क तो अब नहीं लेके जाऊंगा। आई एम शनाया को लेके डॉक्टर्स ऑफिस, नया दिन हो चुका है शुरू। बहुत ही बड़ा हमें एक सरप्राइज मिला है जो शनाया के दादू को और शनाया के नाना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो ये है कि शनाया के लगने वाला है इंजेक्शन, जो हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हमें नहीं मालूम था कि शनाया की 18th मंथ वैक्सीनेशन ड्यू है, जो डायरिया, टेटनस और बाकी सारी चीजों की होती है। अभी लगेगा इंजेक्शन, सर दर्द हो रहा है, सोच सोच के बेचारी बहुत बुरी हालत होती है, हमें अच्छा नहीं लगता।
काश शनाया का मामा ही आ जाता इसको लेके। एक बात है जो सब मानेंगे, स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, वैक्सीनेशन लग गई है, बहुत ही डिफिकल्ट था हम सबके लिए, पकड़ के लगवानी पड़ी, लेकिन नाउ शी इज ओके, अपनी रील्स देख रही है। अभी आया था मैं कॉस्को, उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है, मम्मी पापा आने वाले हैं और उनके लिए हमने स्पेशली कोई चीज खरीदी है। मीनल ने अभी मेरे को भेजा कि भाई पहले लेकर आओ, मम्मी पापा के आने से पहले वो हम चीज ट्राई कर लें, और वो एक्चुअली है हमारा नया एयर फ्रायर। इसको लेने का एकमात्र रीजन हमारा यही था कि भाई मम्मी पापा को ज्यादा फ्राइड ना खिलाया जाए, क्योंकि क्या उससे तबीयत खराब हो जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है अच्छा हेल्दी चॉइसेस इंसान खाए तो ठीक रहता है, और हमारे लिए भी अच्छा है। और बाकी अब हम लेंगे नाया दीदी का सामान, मेरी बेटी का आइसक्रीम। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया है जब हमारा बारबेक्यू खुलने वाला है, वो शुभ मुहूर्त, वो शुभ घड़ी। ये शुभ घड़ी आई है ऑलमोस्ट ढाई साल बाद आई है, अब देखते कि क्या। भाई और सनी ने मेरे को 2019 जनवरी में गिफ्ट किया, 2020 जनवरी में गिफ्ट किया था बर्थडे पे ना, बर्थडे पे 5 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है, और बस आज हम ये खोल के इसलिए देख रहे हैं ताकि हम ये देख लें कि हम जंग तो नहीं लगा, ये सब कुछ ठीक है, हम ये देख लें कि हम कामयाब हुए हैं कि नहीं। व्हाट इज दिस? दिस इज 3 बर्नर प्रोपेन। लो, मैंने फिजिक्स पढ़ी, मुझे दे दो। तो हो गया अपना बारबेक्यू सेट, दिया है रोहित भाई और सनी ने मास्टर शेफ का, लग रहा है बहुत ही सुंदर, कभी यूज तो किया नहीं, जल्दी करेंगे पार्टी और इसको करेंगे यूज, फिर आप सबको दिखाएंगे। सच बताऊं ये हुआ है सेट 1.5 घंटे में, लेकिन हमारी वजह से नहीं, वो सामने हमारा जो नेबर है वो बेचारा करके गया, क्योंकि हमारे तो समझ के ही बाहर था। ये नाया दीदी अब हो गई है स्टारबक्स गर्ल, घर पे बैठे बैठे हमें बोल रही थी स्टारबक्स जूस। ये देख लो स्टारबक्स की ये ड्रिंक है, स्ट्रॉबेरी एकाई लेमनेड, ये इसको बहुत पसंद है, रोज पीती है ये स्पेशली महर्षि, और मेरे को लेकर आई है कि दिलवा के लेके आओ। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अ व्लॉग टुडे अगेन, अपनी जिंदगी के 7-8 मिनट हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं नए व्लॉग में नई मस्तियों के साथ शनाया दीदी की।